ले उठा ले उठा लो। तो भगवान बोले कोई झाड़ू है जो उठा ले, परंतु रोज रोज तो कह रही ना उठा ले उठा ले। तो भगवान कहे ठीक है आप कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। उसने कल फिर, हे भगवान मैं तो थक गई आज संसार में आकर फंस गई, तू तो मुझे उठा ले। भगवान सामने प्रकट हो गए, अम्मा चल मैं तुझे उठाने आया। अम्मा बोली मैं मेरी थोड़ी ना कह, लकड़ी का गट्ठा उठा ले, ये लकड़ी का गट्ठा मैं मेरी थोड़ी ना कह रही। अम्मा बोले तू तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे उठाने आ गया, फालतू हूं मैं। भगवान लक्ष्मी जी को देख के बोले बहुत चतुर है पांडे तारा की है, साधारण नहीं है, कोई उठे। एक बात तो है पांडे तारा में आनंद तो है, कुछ भी हो उत्तर प्रदेश की ये धरा आनंदमय तो है महाराज, हो आनंद। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम बोलो क्या तुम्हें सिर मिला। हाँ आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे, ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे, असत्य बोल रहे। हाँ ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो पूछ लो। ये केतकी के पुष्प से, केतकी के पुष्प को भगवान ने लिया और पूछा क्यों केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। केतकी का पुष्प ब्रह्मा को मस्तक मिला जानकर केतकी का पुष्प बोला हाँ ब्रह्मा को शीश मिला, ब्रह्मा को सिर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ भगवान आकाशवाणी कर बोले कि ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। ए केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा, और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है, और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प, सरसों होती है ना जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है, हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं मणिभद्र, शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज, उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज
सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल, प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। महाराज शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो और तुम केतकी के पुष्प को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखा कर लगता है। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई दो दिन ऐसा बना लो कि मैं दो दिन सत्य बोलूंगा। दो दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। एक दिन नहीं बना सकते तो कम से कम दो घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। दो घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम एक घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि एक घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी है, फिर सत्य। गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चले गए नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहां? पंडित जी बोले आओ, तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होकर मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही, अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही, अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चले गए। तो तुमसे निवेदन है तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया जैसे तुमने आकर पूछा, क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। आज तो हमारे यजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे, जिन्होंने दो दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहां बैठती थी एक वहां बैठता था, तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता था। हर हर भगवान शिव ओघड़ रानी सत्य की मुहूर्त है, आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्यमय जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा, आप रूप अपनी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें, मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, अरे बोलो तो सरी तुम तो घबरा गए, बोलो राम नाम सत्य है। मरने के बाद दुनिया बोलेगी और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एकदम सत्य निकालना भी बड़ा कठिन है।
एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है, तुम साहब बहुत बढ़िया हो साहब, बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कछोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए बताओ। हमारी छाती पे मूंग दलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे। पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने आप कितनी जमीन और खरीदेंगे। और सामने के सामने के, अच्छा हुआ आ गए, वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था। पर अंदर से सोच रहे काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बाहर से अच्छा। अच्छा तुम सोच तो रहे हो कि महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बाचे महाराष्ट्र का तो काम नहीं। पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता को खड़ा करा, भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है, तो गौ माता बोली हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की माँ कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है, मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्या दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, सारा दान आगे से होगा पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है, तो तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या, क्यों असत्य बोली, केवल एक रोटी के लिए। और यही तो मनुष्य साहब मानव करता क्या, एक रोटी के लिए असत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए असत्यता का बिंदु पकड़कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए। अरे भाई पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान